और भाई विधानसभा में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। मतदान की तारीख पास आते ही चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। बीजेपी भी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद चुकी है। मरवाही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और सांसद रेणुका सिंह के साथ कई बड़े नेताओं ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दशहरे के त्यौहार की महिलाओं को बधाई दी। विष्णुदेव साय ने संबोधन के दौरान बीजेपी को सत्य का प्रतीक और कांग्रेस को असत्य का प्रतीक बताया है। साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। वहीं विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री के 3 दिनों के लगातार दौरे पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए हर हथकंडा अपना रही है। कांग्रेस असत्य पर चलने वाले लोग हैं कांग्रेस में, और इसीलिए उनका ये हालत है। एक समय लोग एक छत्र राज करते थे पूरे देश में, लेकिन आज़ादी के 60 साल बाद इस देश की जनता उनको नकार दी है, क्योंकि वो असत्य के मार्ग पर चलते हैं। भ्रष्टाचार, स्कैंडल, ये सब उनकी देन है। मरवाही उपचुनाव के सिलसिले में मेरा आज यहाँ पर पहुँचना हुआ। महिला सम्मेलन में हमने भाग लिया। महिला सम्मेलन जिस प्रकार से सफल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारा मानना है कि ये सफलता इस बात का घोतक है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। Yeah.